नेता भैया शानदार मंच जिले के शानदार सब राजनीतिक सामाजिक प्रशासनिक विभूतियाँ आज हमारे बीच में हैं। आप सबको हृदय से और हमारी भावना को समझ के नेता तो प्रेम करके बता रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार। और सब मेरे पास कम कर रहे हैं कि आपने इतना प्रेम दिया है हमें, और मुझे मतलब ये हमारे देवी देवताओं के महात्माओं के और परिवारों के संस्कार वगैरह सबका जो ये फल मिल रहा है, तो मैं थोड़ा सा निवेदन करूँगा। पुस्तक के लिखने के पीछे जो समसामयिक कारण है वो ये रहे कि मैंने बचपन से जब और संभाला तब मेरे घर में जो वातावरण देखा वो बहुत उदास रहा होगा। मेरे पिताजी पहले तनखा लेके आते 1 तारीख को, वो अगले 10 तारीख में खत्म हो जाते। खत्म होने के कारण क्या थे, वो घर पे किसी भी जरूरतमंद को आए तो मना नहीं करते पैसे का, जो भी धन धान्य होता बाजरा से भरा हो भंडार से मांगने वाला है सोचे थे थोड़ी देता नहीं देता जाएगा का बाजरा उसके पास आपके पास इसको हो मत हो। तो ऐसा भी हमने माहौल देखा तो हम पूछते भी थे आप ऐसा क्यों करते, तो वो कहते हैं कि पहले जो जरूरतमंद है जो अपने पास आया है उसकी सहायता पहले है आपने अपना किया। तो परमात्मा मैंने वो रूप देखा उस आदमी का, हालांकि हम लोग इससे काफी परेशान रहते थे कि ये सारी संपत्ति का लोगों में वितरण क्यों करते हैं। जैसे फिर बाद में देखा आपने वो राजनीतिक शुरुआत करी इसकी, अपने जो सामाजिक सरोकार का है का वो या अपनी पीड़ितों की सेवाएं को, पीड़ितों की सेवा में आगे उसने लेबर की 10-10 हज़ार लेबर करती थी कैंप में, 1 दिन की कोर्स होती थी पूरे जिले में, पर फिर भी वो सारी पारदर्शिता के साथ किसी भी समाज का सर वाला मतलब समाज का सबसे पीड़ित जितने व्यक्ति तक वो सारे पहुंचाने की कोशिश करते थे। ऐसे कई भूमि विभाग ने हमको मैंने एक साथ है हमारे घर में एक भूचाल को भूकंप को या वो चीज लेके आई जो हम आज तक उसे उबर नहीं पाए। हमारे लिए सबसे बड़ी ये सोचने वाली स्थिति बढ़ गई कि एक तरफ तो हमारे पिताजी का एक्सीडेंट से देहावसान हो गया, दूसरी हमारी जमीन हम नहीं जाते थे फिर भी हमारे जैसे नहीं पैसा लगाना हमारी प्रॉपर्टी में नहीं था, हम नहीं जाते थे हमारी जमीन जाए। बहुत सारे राजनेताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों ने हमारी पेड़ भी की मेहनत भी की, पर किसी भी तरीके से मीडिया बंदों का भी हमें बहुत सहयोग रहा, ये बहुत खुशी की बात है। और आप सभी जो रिश्तेदार हैं ग्रामीण हैं सौजन हैं सबका भी बहुत सहयोग रहा, उसके बावजूद हमारी भूमि वापसी वाले मामले में हम पार नहीं पड़ी। हालांकि ये मतलब खुशी की बात नहीं कि शुरुआत में 10 हज़ार रुपये का मुआवजा ही मिल रहा था, वो सरपंच साहब भीमराव राम जी के संघर्ष से लास्ट में करते करते 3 लाख रुपये का हुआ, तो ये बात जो मिलने के लिए एक उपलब्धि की बात है। तो हालांकि कई सारे हैं मतलब कहने के लिए काफी लोगों से मतलब या और लोगों से परेशान पीड़ित भी है, तो कई लोगों ने हाथों उसका मतलब अपने को सांप्रदायिक काम भी किया, बहुत अच्छा काम भी किया। किताब को लिखने का मैं कारण ये था कि ऐसे अच्छे लोग जिन्होंने मैं तो मेरे क्योंकि पिताजी है तो मुझे स्वाद बचेगा, और मैंने मतलब मेरे हिसाब से तो एक कर्म योगी से कम नहीं है, छोटी मोटी किताब कोई भूल और गलती रह गई है तो मुझे आप अपना समझ के क्षमा करें। धन्यवाद।